बरेली के पास ग्राम जामगढ़ में हुई हत्या। रामगोपाल उर्फ पप्पू शर्मा पिता केदार शर्मा ने अपने ही साथी राम सेवक अहिरवार को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। बात पिछली शाम की है। रामगोपाल शर्मा व उसका साथी राम सेवक अहिरवार दोनों भगदोई की तरफ से आ रहे थे। रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और रामगोपाल शर्मा ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे राम सेवक अहिरवार की मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू ने मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों और सामाजिक बंधुओं ने पिपरिया नाका तहसील परिसर के सामने चक्का जाम करते हुए नारे लगाए और शासन प्रशासन से मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपया और बच्चों को सरकारी नौकरी देने के लिए गुहार लगाई है। चक्का जाम करते हुए 2 घंटे बाद राजस्व अधिकारी और पुलिस अधिकारी द्वारा समझाइश किए जाने पर चक्का जाम खत्म कर दिया गया। तहसील बरेली जिला रायसेन में सवर्ण ब्राह्मण द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसमें आरोपी का प्रकरण फॉरेस्ट कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर अपराधी को फांसी की सजा दिलाकर तथा पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देकर मृतक के बेटे को सरकारी सेवा दिलाने ऐसे और ऐसा कानून बनाने जिसमें उपरोक्त वर्ग का जाति उत्पीड़न ना हो सके। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि लगातार अनुसूचित जाति जनजाति एवं के लोगों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर आरोपी के घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए। महोदय, जामगढ़ में शमशान घाट पर जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जाता है। अगर 5 दिवस के अंदर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो सभी अनुसूचित जाति जनजातियों के समस्त संगठन आंदोलन करने पर बात दोगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। दलित समुदाय ने ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के एक संयुक्त ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है। कल रात को जामगढ़ गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, उसके सिलसिले में ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चक्का जाम कल शाम को जामगढ़ में एक 302 मर्डर का केस हुआ है। हालांकि दोनों बहुत आपस में दोस्त थे, लेकिन किसी बात पे से होने के कारण रामगोपाल शर्मा ने अपने ही दोस्त राम सेवक अहिरवार की कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी है, जिसमें से 302 का प्रकरण पंजीकृत किया गया है। रामगोपाल शर्मा अभी गाँव से फरार है, तलाश किया जा रहा है, शीघ्र तलाश गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी।